हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिन्हें आप कल की मार्केट में बाय कर सकते हैं दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगी मैं आपको इन्हें बाय करने के लिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब मी तो हमारा पहला शेयर है वीवी मेट टारगेट रेगर्स का फोर्टी फाइव स्टॉपलस ट्वेंटी सिक्स बाइंग डेवल करेंट प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं इसको फेवी फ्लू की परमिशन मिल गई है तो रोज़ ही अपर सर्किट मार सकता है ये शेयर तो अगर आपको मिल जाता है ये तो इसको लेकर रखिएगा और स्टॉपलॉस जरूर बनाकर रखिएगा लॉकडाउन बढ़ सकता है तो मार्केट डाउन भी हो सकती है तो स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखना और आप लोगों को लॉस नहीं होना चाहिए अगर आप इस शेयर को कैरी कर सकते हो तो प्लीज़ इसको कैरी करना अगला शेयर है हमारा भेल टारगेट रहेगा इसका सेवेंटी स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है शेयर को और बाइंग लेवल देखिए करेंट प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था भेल एक बार निकल गया तो हाथ से तो आने वाला नहीं है फिर से और तब से ये रोज़ ही बढ़ रहा है और इसका टारगेट सत्तर तो कम ही बता रही हूँ मैं आपको डेढ़ सौ तक टच करेगा ये पक्का लॉन्ग टर्म के लिए इसको उठा के रख लो तीन महीने में डेढ़ सौ मिलेगा आपको ये और इसको लेके प्लीज़ छोड़ दीजिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी सही है ये तो जी डी एस वेलनेस हमारा अगला शेयर टारगेट टू वन फाइव जीरो स्टॉप लॉस टू वन जीरो फाइव बाइंग लेवल आप इसको करेंट प्राइ टू वन वन ज़ीरो पर आप इसको बाय कर सकते हैं इसके फोर क्यू के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं बट फिर भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है और अगर ये और गिरता है जैसे कि उन्नीस सौ या दो हज़ार के लेवल तक आ जाता है तो आप इसको ज़रूर खरीद कर रखिएगा थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी बेनिफिट देगा आपको ग्रैनुअल अगला शेयर है थ्री सेवेंटी फाइव टारगेट्स शॉपलॉस थ्री सिक्सटी टू करेंट लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये इसको मैं कह रही हूँ और आने वाले समय में शेयर 400 तक भी टच कर सकता है आगे एक से एक से डेढ़ हफ्ते में बीच में पहुँच जाएगा और आप इसे बाय करके रख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाइएगा टाटा मोटर्स टारगेट थ्री ट्वेंटी वन स्टॉप लॉस तीन सौ ग्यारह बाइंग लेवल तीन सौ पंद्रह दोनों के लिए ये शेयर काफी अच्छा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप बाय कर सकते हैं इसको और uh, मैं कहती हूँ आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का पांच परसेंट पार्ट तो होना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए एन अगला और टारगेट पचास स्टॉप लॉस फोर्टी सेवन बाइंग लेवल करेंट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं एनबीसीसी फिर भी खरीद सकते हैं हाँ भेल का तो मौका निकल गया हाथ से पर एनबीसीसी का अभी भी मौका है तो खरीद सकते हैं आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं कह रही हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर रखिए इसे अगला है कैसोराम टारगेट एटी सेवन एटी टू स्टॉप लॉस बाइंग लेवल एटी थ्री पॉइंट फिफ्टी पैसे देखिए अगर आप शेयर्स को कैरी कर सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें कैरी कीजिए ये ऐसे शेयर्स हैं जो कि एक दो दिन अगर नीचे गिरते हैं तो वापस उठेंगे और आप स्टॉप लॉस जरूर बना के रखिए मैं ये नहीं कह रही आप स्टॉप लॉस मत बना के रखिए पर ये है अगर आप इनको कैरी कर सकते हैं तो आप इनको कैरी करके रखिए आपको ये प्रॉफिट पक्का कमा कर देंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू सो मच